Yes, students, today our topic is properties of aldehyde and ketone. Aldehyde और ketone की properties ही हम लोग study करने चल रहे हैं. ठीक है, इसमें कुछ common properties होती हैं जो कि aldehyde और ketone दोनों तरह के functional group जिसमें है. aldehyde में functional group aldehyde का और ये ketone में जो है functional group, इसमें कि carbonyl group दोनों में present होता है. जो कि दोनों में carbonyl group present होता है तो दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ शोज सिमिलर रिएक्शंस. ठीक है ना, मोस्टली शोज सिमिलर रिएक्शंस बोथ कंपाउंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ शोज सिमिलर रिएक्शन. अब यहाँ पे देखिए, हम लोग एक एक पहले एल्डिहाइड की रिएक्शंस ले लेते हैं, फिर यहाँ पे डिफरेंट होगा वहाँ पे कीटोन की रिएक्शंस को देखेंगे. बट यहाँ पे देखिए, जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन. इट मीन्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बोथ शोज एडिशन रिएक्शन. विच टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शोज बाय द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अब यहां पे देखिए, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है किसमें? एल्डिहाइड्स में भी प्रेजेंट है और कीटोन में प्रेजेंट है. तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसी होती है? पोलर बॉन्ड होती है. तो पोलर बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाते हैं? ऑक्सीजन की ओर जाते हैं. तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑक्सीजन गेन्स नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेन्स पॉजिटिव चार्ज. तो ये प्रॉपर्टी किस में बनी रहती है? एल्डिहाइड में भी रहती है और कीटोन में, चूंकि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है दोनों में प्रेजेंट होता है. कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन. अगर हम कीटोन को लिखते हैं तो इस तरह से देखिए, ये R COR, यहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप है और एल्डिहाइड जो कि हमारा है RCHO, R CHO, यहां पर कार्बोनिल ग्रुप है. दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो दोनों इस तरह की रिएक्शंस दिखाएंगे. कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो देखिए, मैकेनिज्म में कैसे होता है. सपोज दैट वी हैव अ कंपाउंड लाइक एच एंड यू के, और इस एच एंड यू को हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ. सपोज दैट एल्डिहाइड में ये कार्बोनिल ग्रुप है. तो अपने को हमने यहाँ प्रॉपर्टी बताया है कि ऑक्सीजन जो है पोलर नेचर और कार्बन पे पोलर नेचर होता है. तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो जाते हैं? ऑक्सीजन पर. पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है. तो अगर हमारा कोई कंपाउंड है जो कि पोलरिटी जिसमें प्रेजेंट है, तो वो अगर वो ब्रेक होगा, सपोज दैट ये है एच एन यू है, एन यू फॉर न्यूक्लियोफाइल, इसलिए हमको एन यू लिखा हुआ है, और एच हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज. तो अगर ये ब्रेक हो रहा है तो इस फॉर्म में ब्रेक होगा, एच पॉजिटिव एंड एन यू नेगेटिव. एच पॉजिटिव एंड एन यू नेगेटिव के फॉर्म में ब्रेक हो रहा है. तो देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये एन यू पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल हमारा बनेगा. और अगर ये न्यूक्लियोफाइल बन रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. तो ये स्टेप स्लो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड चलती है. ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है किसके बीच? हाइड्रोजन और इस एनयू न्यूक्लियोफाइल के बीच जो बॉन्ड की ब्रेकिंग चल रही है, ये स्टेप क्या है? स्लो स्टेप है. तो स्लो स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या करता है? अटैक करता है. न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है. ये देखिए, ये फॉर्म करेगा, एक एडक्ट बनाएगा, इंटरमीडिएट पार्ट बनाएगा, और नेक्स्ट जो हमारा हाइड्रोजन है एच पॉजिटिव है, वो जो है अटैक कर देगा किस पे? ऑक्सीजन पे. जिससे कि ऑक्सीजन पे क्या था? नेगेटिव चार्ज था. तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे अटैक करेगा. तो देखिए, जो प्रोडक्ट बनेगा वो एडिशन प्रोडक्ट होगा. ये हाइड्रोजन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे अटैक कर रहा है. और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक किया है? कार्बन पर. तो कार्बन के साथ ये बॉन्डिंग कर लिया और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग किया और एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया. ठीक है ना, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एक कॉमन मैकेनिज्म है जो सभी में चलेगी. न्यूक्लियो एल्डिहाइड में भी चलेगी और कीटोन में भी चलेगी, दोनों में चलेगी. इस रिएक्शंस को समझना है थोड़ा सा आपको. तो ये स्लो स्टेप हमने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग चल रही थी, बॉन्ड फ्यूजन चल रहा था. और यहाँ पे देखिए, जो एच पॉजिटिव है ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है. तो ये फर्स्ट स्टेप होता है. सेकेंड स्टेप फास्ट होता है और फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्लो होता है. अब यहाँ पे देखिए, एक एक रिएक्शन को लेकर चलते हैं. फर्स्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं एडिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड. एडिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड किसके साथ एडिशन दिखाया जा रहा है? एल्डिहाइड के साथ, CH3CHO. एल्डिहाइड हमारा है, इसके साथ एडिशन रिएक्शन चल रही है. किसके साथ? सोडियम सल्फाइड. कौन सी एडिशन रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
carbonyl group in both aldehyde and ketones. Carbonyl group shows polar nature. Oxygen gains partial negative and carbon gains partial positive. अब ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा समझिए इसको. सपोज दैट ये हमारा किसके इक्वल है, HNU के इक्वल. अब ये NaSO3 इस फॉर्म में ब्रेक होगा एज H पॉजिटिव एंड SO3 एन के, ठीक है ना, इस फॉर्म में ये ब्रेक होगा. SO3 पे चार्ज कैसा जाएगा, नेगेटिव चार्ज. अब ये हमारा SO3 Na जो है, SO3 Na ये ऐसे क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया. ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ये हमारी कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन की जो डबल बॉन्ड थी यहाँ पे समझिए इसको, CH3CHO ये डबल बॉन्ड है. यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बन रहा है इस पे और ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बन रहा है. अब ये देखिए NaSO3Na हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, SO3Na ठीक है ना, ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये अपना पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा. तो देखिए ये CH SO3Na में आ जाएगा, CH SO3Na और ये जो हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव बनेगा ये कहाँ पे ज्वाइन करेगा, ऑक्सीजन पे ज्वाइन करेगा, ठीक है ना. पहली चीज यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये जो हमारा CH3 है, CH है, ये ऑक्सीजन है, इस पे नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव. तो सिंपल सा है कि ये जो हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है ये यहाँ पे अटैक करेगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा, इस तरह से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा. और दूसरा जो पार्ट है H पॉजिटिव वो कहाँ पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव अटैक करेगा इस ऑक्सीजन को, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वहाँ पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, OH. तो ये देखिए ये फाइनल प्रोडक्ट हमने दिया, यहाँ पे बीच का प्रोडक्ट जो एडक्ट था उसको हमने शो नहीं किया है, तो क्या दिखाया गया, एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड को शो किया गया, ठीक है ना, फाइनल प्रोडक्ट. तो ये रिएक्शन हो गई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक क्यों कहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स अटैक कर रहे हैं. न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करें, अटैक कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होगी वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, ठीक है. तो अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, ये एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड बनेगा. एंड सेकेंड स्टेप में देखिए सेकेंड रिएक्शन ले रहे हैं इन द सेम वे, जैसे ये हमारी रिएक्शन उसी तरह से ये भी रिएक्शन है. एडिशन ऑफ HCN दिखाया जा रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. तो आपको ये जानना चाहिए कि दैट HCN हाइड्रोजन साइनाइड ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड साइनाइड आयन. साइनाइड आयन एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, किसकी तरह वर्क करेगा ये, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा. सेम प्रोसेस यहां पे CH3CHO में CH3CH डबल बॉन्ड को, ये साइनाइड H पॉजिटिव एंड दिस साइनाइड आयन अटैक्स एट दिस पोजीशन, क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है. साइनाइड आयन यहां पे अटैक करेगा कार्बन के साथ और एक प्रोडक्ट, बीच का प्रोडक्ट बनाएगा, एडक्ट बनाएगा. एंड इन द सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप होगा और सेकंड स्टेप में ये हाइड्रोजन जो हमारा है H पॉजिटिव वो कहां पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और एट लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, वो क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाएगा, ओके. तो ये एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन एंड एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन शोस दैट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. एंड नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ GR. GR मींस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट. तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की एडिशन देखने चल रहे हैं किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस है, दोनों सेम रिएक्शन शो करेंगे. तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ अगर हम एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन दिखाएं तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा. पहले चीज तो समझिए कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो हमारा है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वो क्या होता है, आर एम जी एक्स यहाँ पे आर फॉर एल्किल ग्रुप, ठीक है ना, आर फॉर एल्किल, कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है कौन, मैग्नीशियम. ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसकी ओर शिफ्ट करेंगे, R पर शिफ्ट करेंगे, इट मींस कार्बन पर शिफ्ट करेंगे और कार्बन पर चार्ज कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा और इस पर चार्ज कैसा बनेगा, पॉजिटिव. अब ये R नेगेटिव जो हमारा है वो कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन पर, चूंकि ये पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव शो कर रहा है और ये पार्शियल नेगेटिव शो कर रहा है, तो इस पर अटैक करेगा, इस पोजिशन पर कौन अटैक करेगा, कार्बन, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये कहां पे अटैक कर रहा है, ये यहां पे अटैक करेगा कार्बन, ओके. CH3CHOMG, ओके, MGX और ये R,
भाई MgX कहाँ पे आएगा? O पे आएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, और R नेगेटिव यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये एडक्ट बनाएगा, और इस एडक्ट के हाइड्रोलिसिस अगर किया जाए, एडक्ट के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा? अल्कोहल हो जाएगा, और बाय प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। कैसे बनेगा समझ लीजिए इसको। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, MgX पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोलिसिस पे आपको पता है एज एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव टू आयंस प्रोड्यूस होते हैं। एच पॉजिटिव कहाँ पे आएगा? ऑक्सीजन के साथ आएगा, और क्या बना लेगा? OH। और ये MgX जिस पे की पॉजिटिव चार्ज है ये OH से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? MgOHX। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस विच शोस द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो राइट डाउन दिस रिएक्शन।